जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 2023 विज्ञान का एक प्यारा सा पेपर। ठीक है, इसके पहले हम एमसीक्यू वगैरह सारा डिटेल में कर चुके थे। अब आज हम पहुंच चुके हैं इसके नेक्स्ट वाले पोर्शन पे, मतलब जो केमिस्ट्री है उसके, यानी खंड जो ख था उसे हम डिटेल में देख चुके हैं। इनका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका भर्जन, देखिए आपके पहले ये 27 नंबर का जो क्वेश्चन था ये आपका क्या था, बैलेंस यानी संतुलित करने, अभिक्रिया को संतुलित करना। यदि आपको अभिक्रिया को संतुलित नहीं करना पसंद लगता तो अथवा दे रखा ये के बारे में, तो इसका वीडियो हमने क्या कर दिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का भी बता दिया, विस्थापन अभिक्रिया की बता दिया। इसमें लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पूछा भर्जन, ये कितने नंबर का, 2+2+2 यानी 6 नंबर का हमसे पूछा। तो भर्जन के बारे में हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। तो आपके सामने एक प्यारा सा ये आपका भर्जन के बारे में, भर्जन जब क्या करेंगे, धातु और अधातु वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें धातुओं को उनके अयस्क से अलग करने की अभिक्रिया में बढ़ेंगे, भर्जन टॉपिक आता है। क्या पढ़ जाता है, भर्जन आता है। ठीक है, इसमें एक निस्तापन भी आता है, उसे भी प्लीज थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो भर्जन होता क्या है इसे ध्यान से सुनिए, कह दिया सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, याद रखना किसके, वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाना भर्जन कहलाता है। कहने का मतलब हमारे पास एक कोई सल्फाइड है, मतलब यक्स, यदि यक्स हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, हम यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं यक्स। अभी यहाँ पर एक हम यक्स मतलब क्लोरो फ्लोरो ब्रोमीन मत रखना, यहाँ पर हमारे पास कोई एक यक्ष तत्व हमें नहीं पता है, ठीक ऐसे लिखते तो नहीं मानेंगे। ठीक है, यक्ष कोई तत्व, इसका जो सल्फाइड है इसे वायु की उपस्थिति में, मतलब क्या करें, ओ2 की उपस्थिति में बहुत तगड़ा जब गर्म किया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, यक्ष ऑक्साइड बनता है, और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड बगल में हो जाता है, इसी अभिक्रिया को हम भर्जन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, याद रखना वायु की उपस्थिति होनी चाहिए, ताप भी बहुत तगड़ा होना चाहिए, जिसे इतना तगड़ा होना चाहिए कि ये बिना पिघले, पिघलना नहीं चाहिए, पिघलेगा तो निस्तापन हो जाएगा और निस्तापन में दूसरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो लिखा तुम्हारे पास किसी भी सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाना ही भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। ठीक है, तो ये तो आप लिखेंगे नहीं, इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए ये आपके पास क्या हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, जिंक सल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक सल्फाइड बोलते हैं। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर हमारे पास जिंक ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, यहां से जिंक ऑक्साइड बन जाता है, उसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्यारा सा वीडियो था भर्जन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।